नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूं आप सबका हमारे इस खास शो में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और दक्षिणी भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य की राशि परिवर्तन पर मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। वैसे तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन साल 2023 में मकर संक्रांति की ये तिथि को लेकर थोड़ा संशय है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास कहलाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2023 की रात 8:21 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। उदय तिथि यानी 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है। ऐसे में मकर राशि नए साल में 15 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें, फिर उसके बाद साफ कपड़े पहनकर साफ तांबे के लोटे में जल भर लें और उसमें काला तिल, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा, गंगा जल लेकर सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ दें। इस दिन सूर्य देव को अर्घ देने के साथ ही शनि देव को भी जल चढ़ाना जरूरी है। इसके बाद गरीबों को तिल और खिचड़ी दान करें। इस दिन से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि सूर्य इस दिन से दक्षिणी से उत्तरी गोलार्ध में गमन करने लगते हैं। इससे देवताओं के दिन का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों के किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चयन किया था। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इस पुण्यदायी तिथि को हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। पुराणों में मकर संक्रांति की कथा श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त कराने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य देव क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव ने कहा कि जब भी वह शनि के दूसरे घर मकर में आएंगे, तब शनि के घर को धन धान्य से भर देंगे। प्रसन्न होकर शनि महाराज ने कहा कि मकर संक्रांति को जो भी सूर्य देव की पूजा करेगा उसे शनि की दशा में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दिन से सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। ठंड की वजह से सिकुड़ते लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ हो जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां के पर्व त्योहारों का संबंध काफी कुछ कृषि पर निर्भर करता है। मकर संक्रांति ऐसे समय में आता है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल धन, मक्का, गन्ना, मूंगफली, उड़द घर ले आते हैं। किसानों का घर अन्न से भर जाता है, इसलिए मकर संक्रांति पर खरीफ की फसलों से पर्व का आनंद मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर्व को पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं।
हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना मुख्य वजह बताई जाती है। सर्दी के इस मौसम में सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा तथा हड्डियों के लिए बेहद लाभदायक होता है। दरअसल मान्यता है कि पतंग खुशी, उल्लास, आजादी और शुभ संदेश का वाहक है। संक्रांति के दिन से घर में सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं और वो शुभ काम पतंग की तरह ही सुंदर, निर्मल और उच्च कोटि के हों, इसलिए पतंग उड़ाई जाती है। काम की शुभता के लिए तो कहीं ना कहीं लोग तिरंगे को भी पतंग रूप में इस दिन उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने से दिल खुश और दिमाग संतुलित रहता है। इसे ऊंचाई तक उड़ाना और कटने से बचाने के लिए हर पल सोचना इंसान को नई सोच और शक्ति देता है। इस कारण पुराने जमाने से ही लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी देशवासियों को साधना परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।